छत्तीसगढ़ में जल्द ही नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने को है। इस चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस भाजपा ने अपने अपने होमवर्क पर काम करना शुरू कर दिया है। वहीं देखा जाए तो अभी रायपुर दक्षिण में उपचुनाव को लेकर दोनों दलों के नेता जीत के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसी बीच आगामी पार्षद चुनाव में उम्मीदवारी को लेकर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज का एक बड़ा बयान सामने आ गया है। दीपक बैज ने कहा कि पार्षद उम्मीदवारों को रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव की कसौटी में खरा उतरना होगा। उनका परफॉर्मेंस तय करेगा कि आगामी पार्षद चुनाव में किसे टिकट मिलेगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि रायपुर दक्षिण में 11 कांग्रेसी पार्षद और 4 ब्लॉक अध्यक्ष और कई उम्मीदवार हैं, लेकिन चुनाव में पता चलेगा किसने कांग्रेस के लिए ईमानदारी से मेहनत की है। मेहनत करने वाले की परफॉर्मेंस तय करेगी कि आगे उन्हें मौका मिलेगा या नहीं। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व के चुनावों में कांग्रेसी नेताओं के बूथ में ही पिछड़ते रहे हैं। जैसे पिछले चुनावों का इतिहास ही देखें तो यहां भले ही पार्षद कांग्रेस के ज्यादा हो, लेकिन चुनावों में वोट ज्यादा भाजपा को ही मिलते आ रहे हैं, फिर वो चाहे विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का। दोनों में ही बृजमोहन अग्रवाल को एक तरफा समर्थन यहाँ की जनता ने दिया है। ऐसे में रायपुर दक्षिण के चुनाव में पार्षदों का राजनीतिक करियर भी दांव पर लगा हुआ है। हालांकि अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है जिसमें बीजेपी ने सुनील सोनी को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने आकाश शर्मा पर भरोसा जताया है। उपचुनाव के साथ साथ नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस भाजपा बड़ी मशक्कत कर रही है। संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक यहां निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को किसे टिकट देना चाहिए और किसे नहीं, हमें कॉमेंट कर बताएं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।